They have no permanent address, no land of their own. They neither farm nor work. They just move from one place to another all year round. They have their own wealth to say, sheep and camels. They are the main inhabitants of Rajasthan and Gujarat in India. They are pastoral nomads of India. In many parts of India, we can see nomadic pastoralists on the move with their herds of goat and sheep or camels. In the desert of Rajasthan live the Raikas. By October, when these grazing grounds were dry and exhausted, they moved out in search of other pasture and water and returned again during the next monsoon. Yet, pastoralists not only continue to survive in many regions, their members have expanded over recent decades. When pasture land in one place was close to them, they changed the direction of their movement, reduced size of the herd, combined pastoral activities with other forms of income, and adapted to the changes in the modern world. हेलो एवरीवन, मैं हूं बलराम और आज हम आए हैं इंदौर देवगोड़ाडीहा। यहां पे हम मरु रायका जो है उनसे कुछ बात करेंगे। नहीं, देवाजी मरु रायका नहीं, देवाजी समाज। हाँ, वहां से आए हैं और अब राजस्थान से। हाँ सर, राजस्थान से आए हैं और हम इनसे बात करेंगे कहां से आए हैं, कितने भेड़ ये जो है सिप पालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं हूँ बलराम, तो आप देख सकते हैं इनसे हम बात पूछेंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुनाम मेरा बुराराम है, देवासी। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं अभी? हम तो इधर से आ रहा, राजस्थान से। राजस्थान से, तो कब तक ऐसा ये यहाँ पे रहेंगे, फिर वापस कब जाएंगे राजस्थान? अभी 6.5 महीने जाएंगे वापस। अच्छा, जब बारिश वगैरह होगी तब? बिल्कुल, ठीक है। बीच के टाइम। अच्छा, आप थोड़ा पास में आ जाइए। हाँ, ठीक है। तो ये आपका और कुछ ये है खेती वगैरह ऐसा कुछ नहीं? हमारे कुछ नहीं। अच्छा, खेती नहीं है, ये भी जेट की है, हम तो दाड़ की जैसा था। अच्छा, मतलब ये ऊँट पालते हैं और ये सब है? हाँ, ऊँट हमारा है। हाँ, तो आपका यहाँ से इसको बेचते हैं तो या दूध वगैरह इसका भी कुछ कारोबार है? दूध बिकते, छोटा छोटा बच्चा पीते हैं, थोड़ा बहुत खाना पीते हो जाए। अच्छा, तो आप लोगों का ये कितने है गिनती के ये सब? किसके पास? 200-300 से 200-300 ऊँट भी पालते हैं आप लोग? बिल्कुल। अच्छा, कितने ऊँट है आपके पास? किसके पास 3 है, किसके पास 4 ऐसे है। अच्छा, सब होकर 35 ऊँट है हमारे। अच्छा, सब मिलाकर 35 ऊँट है। तो आप वहाँ से इधर आए हैं, ये घास वगैरह है इधर इसलिए? बिल्कुल। अच्छा, है ना, जैसे यहाँ पे खेती होती है, यहाँ पे तो मैंने देखा था ये सोयाबीन का खेती खेत कट गया, तो ये घास वगैरह खिलाने के लिए आए हैं। अच्छा, आप भी आ जाइए थोड़ा। आपका शुभनाम क्या है? आपका शुभनाम क्या है? शुभनाम मतलब बैराजी नाम है। बैराजी नाम है ना, आप भी वहाँ से आ रहे हैं? हम जरा पाली जिले से। ठीक है, और जिला पाली राजस्थान पाली है ना, तो आपका भी यही काम है? ये भी धंधा है, ये भी धंधा है ना। तो मूल रूप से आप राजस्थान से हैं, अभी यहाँ पे घास वगैरह खेत है तो इसलिए घास नहीं मिल रहा है यहाँ। अच्छा, वहाँ पे सूखा है, सूखा है, सूखा प्रबंध है, वहाँ पे बारिश कम होती है, पालने आया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3-4 महीने के लिए आए? 8 महीना निकालने, फिर जब यहाँ फिर यहाँ पे गेहूं वगैरह या खेती करना शुरू कर देंगे, फिर आप वापस चले जाएंगे। उस समय वहाँ पे तो बारिश हो जाएगी, तो घास भी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बारिश में और कपास का खेत वहाँ मिलता है। अच्छा, तो अभी आप इंदौर आए हैं है ना, आप फिर इधर कहाँ जाएंगे? बड़वा जिला जाएंगे, फिर महाराष्ट्र जाएंगे। अच्छा, ये महाराष्ट्र होते हैं, महाराष्ट्र जाएंगे तो फिर महाराष्ट्र से आप उधर राजस्थान चले जाएंगे, उन्हाड़ा वापिस यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो आपका मतलब मैक्सिमम साल में बहुत मैक्सिमम टाइम आपका घूमना फिरना रहता है? 12 महीने पड़ता है, 12 महीने 12 महीने आप घूमते रहते हैं। अच्छा, सुविधा ही नहीं हमारे कोई। अच्छा, कुछ सुविधा नहीं करवाया। अच्छा, तो मतलब वहाँ पे जैसा लोग खेती करते हैं अपना घर पे रहते, ऐसा नहीं आप लोग घूमते फिरते रहते साल भर? अच्छा, तो इसका जो है ये कहाँ बेचते, कोई मेला में या यहाँ पे भी बेच सकते? पालते हैं। अच्छा, पालते हैं, बेचते नहीं है। अच्छा, तो ये जो पालते हैं मान के चलो, इसमें दूध वगैरह इसका कुछ वगैरह बेचते
निकाल के बेच देता। अच्छा ठीक है, ऊन बिक जाती है। ओके ऊन बिक जाती है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, आप लोगों का ये हमने देखा है और आपने ये पाल रहे हैं, तो आप लोगों का, आप लोग मरू राय का नहीं है? देवासी समाज है। नया समाज है, नया देवासी समाज। अच्छा मालधारी, मालधारी है आप लोग? हाँ मालधारी, तो किताब में भी हमने देखा है मालधारी। तो पाली जिला से आप लोग का ऐसा भी? पाली जिले से। कोई जालौर का है, पाली का है? कोई जालौर का है, पाली का है। तो आपका ये जो है भेड़ पालते रहते हैं और ऊंट का, ऊंट भी है, किसी किसी के पास 200 है, किसी किसी के पास 100 है, किसी के पास ये है, ठीक है ठीक है। तो आप हाँ सरकारी सुविधा करो आप। हाँ तो और कुछ बोलना चाहेंगे आप? हम बोल दिया ना, और कहीं बुरा हो गया, और कहीं और पूछना हो तो पूछ लो। हाँ नहीं मुझे इतना पता नहीं ना क्या पूछो, मतलब आपका कुछ और खास? ये खास तो कहीं, हमें यहाँ डेरा पड़ा है सराई रहा बकरी। अच्छा और दिन डूबे का है जाली भर देगा। अच्छा हाँ ओके, तो सरकार की थोड़ी सुविधा करो हमारे यार। हाँ तो बिल्कुल, कोई देखेंगे तो ऑफिसर देखेंगे तो बताना है। हाँ आप लोगों का भी बहुत सारे सुविधा होते हैं सरकार के, सबकी सुविधा, हमारे सुविधा नहीं करी सरकार ने कभी। आ जाओ आ जाओ, आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है ना। क्या आपका सुनम क्या है? जगदीश भाई नाम है। अच्छा तो आप भी पाली से आने? पाली से आए। अच्छा ठीक है, तो आपके घर में कोई जो बच्चे वगैरह है वो नौकरी वगैरह करते हैं? कुछ भी नहीं नौकरी करते, सबका यही धंधा, सब ये धंधा ये। अच्छा अच्छा, तो बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं? स्कूल छोटे हैं तो अब कहाँ से भेजे इनको, यही है जंगल में ही। हाँ तो आपको भी साथ साथ उनको भी घूमना पड़ता है? घूमना पड़ता है। हाँ तो इसलिए स्थायी निवासी ना होने के कारण ये दिक्कत, ये दिक्कत है। अच्छा बारी जमीन मांगा सरकार से, जमीन दो रोकने के लिए। हाँ तो हम लोग तक फरंग आप लोग, ठीक है। तो आप लोग आगे क्या, थक गया भर भर के? अच्छा आप लोगों का जो ये धंधा है इससे आप लोग संतुष्ट है? संतुष्ट कहाँ है, बाढ़ पेट और काई बंसाव नहीं है। बंसाव नहीं। तो आपका जो तो बच्चे हैं उनको आप क्या बनाना चाहते हैं? हम तो पढ़ाने सावी रहा। अच्छा तो लेकिन आपने बताया जैसे आप लोगों के साथ साथ घूमना पड़ रहे तो उसका स्कूल छोड़ जाते हैं, तो कैसे क्या होगा? तो वही बात है, फिर छोड़ना पड़ेगा, स्कूल बनाओ इनके लिए तो छोड़ना, और क्या। अच्छा अच्छा, साल भर के लिए छोड़ेंगे। और आप जो ये भेड़ ये ऊँट पाल रहे तो इससे आपका पूरा साल भर का खर्चा वगैरह निकल जाता? नहीं निकलता, खाली खाने पीने को। टेम्पररी। अच्छा अच्छा तो ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब आए हैं यहाँ पे, जो शिप है इसका शिपिंग, शिप हार्डिंग कर रहे हैं। और अभी हम मध्य प्रदेश इंदौर के देवगुड़ाडिया में हैं और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इनसे हमने ये समझा जे आपका साल भर का इनकम है इससे हो चल पाती या नहीं, तो मैक्सिमम का कहना है सिर्फ बस हमारा दिन गुजारा हो जाता है। और हमने ये भी पूछा इनके बच्चों जो है ये क्या करना चाहते हैं आगे जाके, ये ऑक्यूपेशन कोई आगे करना चाहते या नहीं, तो उनका कहना है वो भी पढ़े लिखे कुछ आगे बढ़ के नौकरी करना चाहेंगे। ठीक है तो ये था इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और आज हम आए हैं मध्य प्रदेश इंदौर देवगुड़ाडिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ है जो राजस्थान से आए हैं कैमल के साथ, यानी कि ऊँट के साथ। और इनका कहना है ये ऊँटों को भेड़ ये सब लेकर साल भर लगभग घूमते रहते हैं, जहाँ पे अच्छे अच्छे घास मिलते हैं वहाँ पे ऊँटों को और जो भेड़ है इन सभी को लेकर चलते हैं। और इनका यही है ऑक्यूपेशन है, इनका खेत नहीं है और इनका कहना है ये लोग खेती वगैरह नहीं करते हैं, इनका मेन काम यही है ऊँटों को पालना, भेड़ों को पालना, और इससे इनका साल भर का जो खर्चा ये निकल जाते हैं। लेकिन इनसे मैंने बात की थी इससे पैसा वगैरह जो होता है साल भर निकल जाते हैं या नहीं, तो उनका कहना है ज़्यादा तो नहीं होते, पूरा साल थोड़ा बहुत ही निकल जाते हैं, लेकिन और थोड़ा इनकम अगर अच्छा हो तो अच्छे हैं। तो इनसे हम एक बार बात करेंगे, ठीक है आइए चलते। मैं पूछना चाहूँगा क्या नाम है आपका? मेरा नरेश भाई। अच्छा नरेश भाई। हाँ नरेश जी कहाँ से आप आ रहे हैं? राजस्थान से। राजस्थान के कौन सा जिला आपका? पाली। पाली जिला। पाली जिला में कौन सा थाना लगता होगा? सुमेरपुर। सुमेरपुर ठीक है। तो आप लोगों का खेती बाड़ी तो नहीं है? नहीं है। अच्छा ये ऊँट पालते हैं और इसके अलावा भेड़ हैं? भेड़ है। कितने कितने ऊँट है? 24 ऊँट है। 24 ऊँट है और कितने भेड़ है? हमारे है 4000। 4000 ऊँट है। तो ये आप राजस्थान से पाली से आए हैं, अभी मध्य प्रदेश है और अभी आप कहाँ जाएंगे? तो यहाँ इधर जाएंगे। कहाँ कहाँ कौन सा? महाराष्ट्र ये सब? महाराष्ट्र। अच्छा तो मैं आपसे ये पूछ, हाँ ये तो एमपी में है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये जैसे ये घास वगैरह खिलाते हैं, कभी ऐसा कोई लोग मिलते जो आप लोगों को विरोध करते जो इधर क्यों आए हो, क्यों चराने के लिए आए हो, ऐसा कोई बोलते हैं? बोलते हैं ना। बोलते तो उस लोगों से कैसे क्या करते हैं आप?
मार्ग बंद करते हैं अभी जाके। अच्छा, और चले जाते वहाँ से? चले जाते। हाँ जी, ठीक है भैया, हम तो निकल जाएंगे। हाँ निकल जाएंगे। हाँ। मैक्सिमम लोग तो कुछ नहीं बोलेंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो अभी खेत वगैरह तो नहीं बोल रहे, दूसरे बहुत बोलने वाले बहुत है, उनसे भी मना कर चलना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों का ये जो साल भर का ये काम है, इससे जितना इनकम होते हैं तो पूरा पुर जाता है? नहीं, क्या क्या पुर जाता, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो आप इसके अलावा कुछ काम धंधा करने के लिए नहीं सोचते? क्या सोचते हैं, ये है ना। अच्छा, नहीं आपको कभी लगता नहीं जी नहीं हम भी नौकरी करेंगे? हाँ। या ऐसा कुछ नौकरी करेंगे ना। अच्छा, ऐसा लगता है इसमें जो इनकम होते इतना नहीं हो पाते? नहीं पाते। लेकिन आपका पूरा पूर्वज है जो बाबा पिताजी है ये सब? हाँ। ये सब काम करते हैं। हाँ। और ये भी देखना भी होता, नहीं तो अचानक से कौन देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऊँट जो है ये तो शाकाहारी है, ये घास वगैरह ये सब खाते हैं, खाते हैं, है ना। और इसके अलावा ये ऊँट का एक हमने देखा है जो काफ़ी दिन तक अगर पानी ना पिए तो भी रह सकते हैं, और ऊँट को मरुभूमि का जो है रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तो ये इनको अगर कितने दिन तक अगर पानी नहीं पिलाएंगे तो भी जिंदा रह जाएगा? 15 दिन। 15 दिन तक? और जब इन मैंने सुना है जब पानी पीते एक साथ बहुत सारे पानी पी लेते हैं? बहुत पीते है ना। तो अभी जैसे ये कहाँ तालाब वगैरह मिल जाएंगे तो इसे पानी पिलाएंगे? हाँ। अच्छा ठीक है, तो आप देख रहे हैं इधर से ऊँट आए हैं और भेड़ भी हैं, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, तो इनका लेट हो रहे तो हम इनको जाने के लिए इजाज़त देंगे, जाने के लिए बोलेंगे जी आप जाइए, आपको जहाँ पे और भी आप लगता है वहाँ से चराए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक ठीक है, धन्यवाद। कालू तो ऐसा ये लाल जो का लो, लाल का। हाँ, लाल तो का ये जो नाम रखा है ना ऊँटों का, किस हिसाब से नाम रखा, मतलब ये मौरिया रखा शकल के हिसाब से? अच्छा, या कलर के हिसाब से? कलर की और शकल के हिसाब से। हाँ, वो सफेद सफेद जा रहे, उसका नाम है घटिया। हाँ, इसका नाम है घोसला। हाँ, ये घोसला जैसा बाल है, इसका नाम है मौरिया। वो आ रहा ना ये। अच्छा, इसका नाम मौरिया, उसका नाम है वो जा रहा रमेश। हाँ, आंकड़ा आगे, इसका नाम है राता मोटा मौरिया। हाँ, नहीं पहली बार सुन रहा हूँ जर ऊँटों का भी नाम। इसका नाम है कालू। हाँ, नाम है वो पेंडा। उसका नाम है मड़ी, सर्वाधिक मड़ी मड़ी। अच्छा, हाँ ठीक है, आप लोगों का लेट हो रहे तो ले जाओ। इसका कुछ बीमार ये कुछ हो गया क्या, लग गया इलाज? टैटू बनाया था, टैटू बनाया इसका, टैटू फैल हो गया, टैटू मास्टर जानी। हाँ, टैटू फैल कर दिया। तो दवाई वगैरह दे रहे? हाँ दवाई दे रहे, इसका मोटरसाइकिल का जले हुआ ऑयल। अच्छा, इसके ऊपर डालेंगे तो टैटू अपना आप अंदर से खुलेगा। इसका नाम मुरिया वाला। हाँ,